जी जनाब, तो हमारे पास पांचवी जो वोकैबुलरी में टर्म है वो वैल्यू है, छठी एक्सचेंज है, सातवीं ट्रांजैक्शन है, आठवीं मार्केट ऑफरिंग है और नौवीं मार्केटिंग मिक्स है। आइए इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जो वैल्यू है ये क्या है? समथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, हर वो चीज जिसकी कोई अहमियत है वो वैल्यू है। समथिंग हैविंग एबिलिटी टू फिल इन अ गैप और सॉल्व अ प्रॉब्लम, हर वो चीज जो किसी मसले को हल कर सकती है, जो किसी गैप को फिल कर सकती है, वो वैल्यू कहलाती है। तो आप ये याद रखिएगा, वैल्यू बहुत अहम टर्मिनोलॉजी है जिसको हम मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये मार्केटिंग की बहुत अहम रियलिटी है। उसकी वजह यह है कि मार्केटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। तो वैल्यू क्या है? कोई चीज जिसकी इंपॉर्टेंस हो, कोई चीज जो किसी मसले को हल कर सकती हो। आइए आगे, हमारे पास एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या है जी? इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं। देखिए, आप सवेरे उठते हैं, आपको नाश्ता करना है, आपको अंडे बहुत पसंद है, आप उठते हैं, अपने इलाके की, अपने गली की, अपनी स्ट्रीट की जो कन्वीनियंस स्टोर है, जो किराने की दुकान है, वहां तशरीफ ले जाते हैं और उन्हें जाके कहते हैं कि जनाब मुझे आप अंडे दे दें, और जो भी उसका रेट है उस पर आप उनको वैल्यू ऑफर करते हैं और उनसे अंडे लेकर आ जाते हैं। अब आप देखिए, अंडे इस केस के अंदर डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है जो आपने हासिल किया है बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, जो आपने पैसे उसको दिए हैं। तो ये जो अभी हमने मिसाल दी, इसमें क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है जनाब। एक ऐसा एक्ट हुआ है जिसमें डिजायर्ड ऑब्जेक्ट हासिल किया गया है बाय ऑफरिंग वैल्यू टू द अदर पर्सन। और याद रखिएगा, एक्सचेंज मार्केटिंग का एसेंस कहलाता है। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जिस चीज को डिजायर किया जाता है वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज है। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज है ट्रांजेक्शन। ये असल में एक्सचेंज जो होता है ना, उसको आप ट्रांजेक्शन कहते हैं। इज एन एक्टिविटी इन विच गुड्स, सर्विसेज और मनी इज पास्ड फ्रॉम वन अकाउंट और पर्सन टू अनदर। एक ऐसी एक्टिविटी है, यानी एक्सचेंज की एक्टिविटी को असल में ट्रांजेक्शन कहते हैं। जब एक्सचेंज टेक प्लेस हो जाता है, गुड्स सर्विसेज या पैसा किसी एक पर्सन या अकाउंट से दूसरे को मुंतकिल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि एक ट्रांजेक्शन हो गई। आप कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं, वो एक ट्रांजेक्शन होती है और ट्रांजेक्शन मार्केटिंग का एक मेजरिंग यूनिट कहलाता है। अच्छा, अब आगे बढ़िए, तो हमारे पास जो आठवीं टर्मिनोलॉजी है वोकैबुलरी में, वो मार्केट ऑफरिंग है। देखें, ऑफरिंग किसी चीज को ऑफर करना है क्या? इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड और वॉन्ट। देखें, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी मार्केट यानी अपने कस्टमर्स को जो कुछ भी ऑफर करते हैं वैल्यूएबल, वो प्रोडक्ट्स की शक्ल में हो, वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में हो, वो एक्सपीरियंसेस की शक्ल में हो, वो ऑफरिंग कहलाती है। तो आपको एक मेडिसिन दवाइयां बनाने वाली कंपनी जो दवाइयां दे रही है, वो उसकी ऑफरिंग है। एक बैंक जो सर्विसेज दे रहा है, वो उसकी ऑफरिंग है। एक जो कन्फेक्शनरी वाला है, वो मिठाइयां दे रहा है, ये उसकी ऑफरिंग है। एक टेलीविजन चैनल जो न्यूज खबरें दे रहा है, वो उसकी ऑफरिंग है। एक जो ऐसा टेलीविजन स्टेशन जो एंटरटेनमेंट में डील करता है, वो जो एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है, वो उसकी ऑफरिंग है। तो जो कुछ बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, वो उनकी ऑफरिंग कहलाती है। अच्छा, अब आगे बढ़िए, तो हमारे पास नवीं वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी मार्केटिंग मिक्स की है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है क्या? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस यूज्ड बाय मार्केटर्स टू डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स। असल में जिस पैकेज के अंदर या जिस पैकेज के जरिए से मार्केट ऑफरिंग दी जाती है, उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। और ये आप याद रखिएगा कि मार्केटिंग में सबसे अहम जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, वो मार्केटिंग मिक्स है, जो कि असल में
कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पीज है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। आप देखिए कि ये चारों पीज है क्या, जिनको अगर कॉम्बाइन किया जाए तो मार्केट ऑफरिंग बनती है, मार्केटिंग मिक्स बनती है। जो इसमें पहली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स के अंदर तमाम गुड्स एंड सर्विसेज शामिल हैं, और जो प्रोडक्ट आप डिजाइन करते हैं इट हैज टू बी, इट हैज टू मैच विद कस्टमर सॉल्यूशन। तो जो प्रोडक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग सी है, इस तरह आपके फोर पीज है ना, कस्टमर के फोर सीज हैं, तो प्रोडक्ट मस्ट मैच विद कस्टमर सॉल्यूशन। दूसरी बात है प्राइस। प्राइस असल में वो वैल्यू है जिसके ऊपर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट ऑफर करने को तैयार होती है या अपनी वैल्यू देने को तैयार होती है। तो प्राइस जो है आपको इसको इस तरह से रखना चाहिए कि ये कस्टमर की कॉस्ट के साथ मैच कर जाए, यानी कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो। अगर आप प्राइस को टू हाई रख लेते हैं या टू लो रख लेते हैं तो याद रखिएगा आपकी प्रोडक्ट कामयाब नहीं होती है। तीसरी है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि अपनी प्रोडक्ट को, अपनी जो ऑफरिंग है, इसके बारे में मालूमात कस्टमर तक पहुंचाना, मार्केट तक पहुंचाना, ताकि लोग आपकी चीज के बारे में जान सकें और कायल हो सकें कि वो उसको खरीदें। और आपको अपनी प्रमोशन इस तरह से करनी चाहिए कि कस्टमर को आपका मैसेज अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो जाए। और चौथा आपका पी है प्लेस। देखें, प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस करना, किसी चीज को पहुंचाना, किसी चीज को कस्टमर्स तक या मार्केट तक पहुंचाना। तो जो आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करें कि वो कन्वीनियंटली कस्टमर को मिल जाए, क्योंकि कन्वीनियंस एक ऐसी चीज है जिसके बगैर लोग, आपकी मार्केट आपकी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कबूल नहीं करती है। तो आपने एक बात याद रखनी है मार्केटिंग मिक्स के बारे में कि मार्केटिंग मिक्स को जब आप डिजाइन करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपका मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन राइट हो। राइट कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि डेवलप योर प्रोडक्ट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, प्राइस योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉकेट ऑफ योर कस्टमर्स, प्रमोट इट अ वे इन अ वे दैट योर प्रोडक्ट गेट्स कम्युनिकेटेड, एंड प्लेस इट इन अ वे दैट द कस्टमर एंड मार्केट कैन कन्वीनियंटली एक्वायर योर प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हमने डिस्कस की हैं ये क्लियर हो गई होंगी और आप इनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्कशंस ऑफ मार्केटिंग वी आर गोइंग टू हैव शॉर्टली। थैंक यू वेरी मच।